के ब्लॉग और बैक अगेन विद अनदर ब्लॉग। तो आज है डे टू, हमारा ब्लॉगिंग का डे टू एंड रमज़ान का पहला रोज़ा। सबको रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान हमारा बहुत ही खुशियों से और बहुत अच्छे से निकाले। तो आज अभी सुबह में मैं सहरी के लिए उठा था, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सहरी किया, नमाज़ पढ़ा और सो गया। अभी बज रहे हैं 11, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी का कुछ सामान लेने के लिए। तो पहले जाते हैं इफ्तारी का सामान लेते हैं, देखते हैं। और कल आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग में कि मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे, बिकॉज ऑफ मेरा जो फ़ोन है, ये फ़ोन से मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरा वॉइस पूरा करप्ट हो गया था। तो देखते हैं, पहले बाज़ार लेके आते हैं, थोड़ा सब्ज़ी लेके आते हैं। रमज़ान का पहला रोज़ा है तो कुछ तो घर पे बनाना पड़ेगा ना। तो पहले रमज़ान का हम लोग सब्ज़ी वब्जी लेके आके उसके बाद में नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोर की, एंड उसके बाद में देखते हैं कि हम लोग क्या प्लान है और क्या नहीं। तो तब तक के लिए जुड़िए रहिए, बाय। Lions roaring in the morning sun. सब्जी मार्केट में पहुंचने के बाद हमने लिए सबसे पहले फ्रूट्स और उसके बाद में ली थोड़ी सी सब्जी, और सब्जी लेने के बाद में हम चल रहे थे, जा रहे थे घर पे। बट घर पे जाते जाते आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, दोपहर के बज रहे थे 12 और बहुत ज़्यादा धूप थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी धूप थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो बाज़ार लेके हम आ गए थे घर, और घर पर आने के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मुझे ऑयल चेंज का लोगो आ रहा था। और जब मैंने मेरी गाड़ी चेक किया तो मेरी गाड़ी का ब्रेक भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मेरी गाड़ी दे दूं मैं सर्विसिंग के लिए। सो आई डिसाइडेड कि मैं मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दूं, एंड वही अभी सर्विसिंग के लिए ही देने जा रहा था। एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है इरफान भाई, उनके पास मैं जा रहा था मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आज पहला रोज़ा है और आज मेरे बहुत खर्चे होने वाले हैं, जैसे कि आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा। अभी मैं तो ये लो अब आ गए हमारे इरफान भाई के पास गाड़ी सर्विसिंग के लिए। हमने हमारी गाड़ी छोड़ दिया सर्विसिंग के लिए, अब जब इरफान भाई फोन करेंगे तब आएंगे हम। तो मुझे ओएस लेने के लिए आया ये। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज पहला रोज़ा है और बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे लिए एक नया फ़ोन लेने के लिए। जस्ट अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील्स देख रहा था, तो रील्स के अंदर मुझे एक सारा मोबाइल्स करके एक स्टोर दिखाई दिया जो कि NABM पे है, लोकेटेड है। तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि अगर कुछ पसंद आता है तो हम लगा से लेते हैं या नहीं लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनके पास में सेकेंड हैंड फ़ोन पे EMIs भी अवेलेबल है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास में कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल है और हमें कौन सा फ़ोन पसंद आता है। तो अभी हम लोग निकल गए थे फ़ोन लेने के लिए सारा मोबाइल्स की ओर। तो अभी वही भाई से बात किया तो भाई ने बोले कि फ़ोन और खुल के बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल है उनके पास में। तो अभी जाते हैं और देखते हैं उनकी शॉप पर क्या अवेलेबल है और क्या पसंद आता है हमें। तो हम लोग आ गए थे सारा मोबाइल्स पे, और यहाँ पे मैं आया था मेरा फ़ोन एक्सचेंज करने के लिए। सो भाई मेरे को ये मेरा XR देना था और एक्सचेंज में मुझे 13 लेना था। मैंने आपका एक रील देखा कि आप लोग सेकंड हैंड फ़ोन पे लोन करते हैं करके। जी हो जाएगा। तो आपके पास में कोई 13 है मुझे आप बताओगे? अच्छा, दो कलर अवेलेबल है आपके पास में। ओके, ब्लू, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, एंड ये ग्रीन, ठीक है। तो आप लोग सेकेंड हैंड पे लोन करते तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और ID प्रूफ पे जो आधार एड्रेस मेंशन है वो कर लिया है ग्रीन कलर 13 का।
सो फाइनली हमने 13 ग्रीन कलर का फोन ले लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने मुझे ऐसी सर्विस दी, माशाल्लाह यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने भले ही सेकेंड हैंड फोन लिया था बट उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि मैंने अभी न्यू फोन लिया हो। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी सर्विस दी। आप सेकेंड हैंड फोन के ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो आप सहारा मोबाइल पे विजिट कर सकते हैं, इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में आ गया था हमें इरफान भाई का फोन, तो हम चल गए थे हमारी गाड़ी लेने के लिए, जो कि हमने गाड़ी हम मेरी बाइक जो सर्विसिंग के लिए दिया था इरफान भाई के पास में, तो हम चले गए थे इरफान भाई के पास मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए सर्विस। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक सामने ही लगी हुई थी। बाइक लेने के बाद में मैंने एक टेस्ट ड्राइव लिया और वहां से हमने इरफान भाई को बाय बोल के हम आ गए हमारे घर पे। घर पे आने के बाद में मैंने देखा तो मेरे बड़े भाई भी ऑफिस से आ गए थे और सामने मेरी कार लगी हुई थी। और जैसे कि अभी आप देख, गाड़ी सर्विस होके आ चुकी थी, अभी हम जा रहे थे घर। तो गाड़ी सर्विस हो गई, हमने फ़ोन ले लिया, बहुत ज़्यादा थक गया था, सुबह जाके हमने सब्जी ले ली। अभी मैं जा रहा था घर पे थोड़ा आराम करने के लिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ और देखते हैं फिर आगे का प्लान क्या है। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। के बाद में मैंने जैसे कहा था कि आज पहला इफ्तार है, तो फिर इफ्तारी के लिए मैं जा रहा था मेरे मम्मी के घर पर। हर साल मैं मेरे मम्मी के घर पर इफ्तारी करता हूँ, तो अभी मम्मी के पास ही जा रहा था। पहले रोज़े का मंजर, फूड स्टॉल, हर साल पहला रोज़ा मेरे मम्मी के घर पे खोलता था। सो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे मम्मी के घर पे पहली इफ्तारी के। इफ्तार के पहले हमने की थोड़ी सी दुआ और उसके बाद में हमने इफ्तारी खोल दिया, मतलब हमारा पहला रोज़ा खुल गया है। उसके बाद में मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे दिखा चांद, वही चांद मैं आपको दिखा रहा था। और नमाज़ के बाद मैं जा रहा था घर। सो लास्ट शॉट के बाद मैं घर पे गया एंड थोड़ा खाना खा के सो गया था। फिर मैं तरावी के लिए गया, अभी तरावी की नमाज़ पढ़ के मैं घर पे जा रहा हूँ। आज का दिन हमारा बहुत बिजी शेड्यूल था, तो अभी देखते हैं घर पे क्या बना है क्या नहीं बना है एंड मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर मैं देखता हूँ। वैसे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।